बॉयज, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, आप वो कंटेंट देखना चाहते हैं जो कि आपको इंप्रूव करता है एंड आपको हाई वैल्यू मैन बनाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सात ऐसी चीजों के बारे में जो कि ये बताती हैं कि आप एक हाई वैल्यू मैन हो। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, यू प्रोवाइड वैल्यू टू सोसाइटी। देखो भाइयों, हम सब लोग एक एज आने के बाद काम करते ही हैं अपना पेट भरने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए। बट अगर आप सोसाइटी को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक डॉक्टर हो, चाहे आप एक प्लम्बर हो, आप सोसाइटी को कोई ऐसा प्रोडक्ट या फिर सर्विस दे रहे हो जिससे कि उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, एंड इसके अलावा भी अगर आप सोसाइटी की किसी तरह से हेल्प करते हो, तो इसका मतलब है आप एक हाई वैल्यू मैन हो। नंबर 2, यू डोंट हैव एडिक्शन। भाइयों एक बात मेरे को बताओ कि अगर कोई बंदा है वो किसी भी चीज का एडिक्टेड है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो वीड हो, चाहे और कोई भी एडिक्शन हो, उस बंदे की वैल्यू हाई कैसे हो सकती है? जो हाई वैल्यू मैन होते हैं वो भी ये सारी चीजें करते हैं, बट वो किसी चीज के एडिक्टेड नहीं होते। जो हाई वैल्यू मैन होते हैं उनके माइंड में ये क्लियर होता है कि ये जो चीजें हैं ये उनको उनके गोल से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। नंबर 3, दे आर वेल ग्रूम्ड एंड फिट। भाइयों जो हाई वैल्यू मैन होते हैं वो वेल ग्रूम्ड होते हैं, वो अपनी हाइजीन को ऑन पॉइंट रखते हैं, एंड साथ ही वो अपने माइंड को भी हाइजेनिक रखते हैं। वो डेली एक्सरसाइज करते हैं या फिर रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं ताकि अपनी वो बॉडी से फिट रह सके, हेल्दी रह सके, एंड साथ ही अपने माइंड को भी हेल्दी रख सके, और अच्छा फूड खाते हैं जिससे कि वो अच्छा सोच सके। नंबर 4, दे हैव लेस फ्रेंड्स। भाइयों क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये चीज इसमें भी लागू होती है। जो हाई वैल्यू मैन होते हैं उनका फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा होता है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों से लड़ाई करते हैं या फिर दूसरों से दुश्मनी करते हैं, वो व्यवहार तो सबके साथ अच्छे से रखते हैं, बट उनका जो मेन फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बट उनका जो कनेक्शन होता है वो सबके साथ बहुत अच्छे से होता है। नंबर 5, नेवर पुट अदर्स डाउन। भाइयों जो हाई वैल्यू मैन होते हैं वो कभी किसी दूसरे को नीचे नहीं गिराते। भाइयों जो हाई वैल्यू मैन होते हैं वो किसी दूसरे को किसी भी सिचुएशन में नीचे नहीं गिराते, वो किसी का मनोबल नहीं तोड़ते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि खुद ऊपर उठने के लिए किसी और को नीचे गिरा देते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो हाई वैल्यू मैन नहीं होते, वो लो वैल्यू वाले होते हैं। नंबर 6, गुड कैरेक्टर। भाइयों जो हाई वैल्यू मैन होते हैं उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, वो किसी से भी रूडली बिहेव नहीं करते, सबको अच्छे से ट्रीट करते हैं, चाहे वो उनका बॉस हो, चाहे वो उनका कलीग हो, चाहे वो उनका सर्वेंट हो। सो ये भी एक हाई वैल्यू मैन की निशानी है। एंड फाइनली नंबर 7, हाई वैल्यू मैन सब्सक्राइब टू फैशन निक। हाँ भाइयों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इस चीज को जानते हैं कि अपने इस चैनल पे मेंस के लिए कितनी ज्यादा कमाल की फैशन, ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल के वीडियोस आती हैं। सो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो एक बार आप जाके कर दो, मैं 5 तक गिनता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, एंड दैट्स इट, आप भी बन चुके हैं एक हाई वैल्यू मैन। सो गाइस, आई होप आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड वीडियो से कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। सो गाइस, अगर वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश एंड कीप स्माइलिंग।